अस्सलाम वालेकुम। तो आपके साथ फिर मैं हाजिर हूँ। आज का सीन इस तरह है कि चल रहे हैं मिंगोरा सिटी, क्योंकि मुझे एक नया सेल फ़ोन लेना है और कुछ और भी दो तीन काम है वो भी करने हैं। तो सोचा कि एक और वीडियो बना लूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। उसके साथ अगर मौका मिला तो जाएंगे मरगुज़ा, अगर नहीं तो वापस आएंगे अगर टाइम नहीं मिला। तो मेरे साथ एक दोस्त भी था, उसने कहा था कि मैं सुबह उठ जाऊंगा और चलेंगे, लेकिन उसका मोबाइल जो है वो आ पा रहा है। लेकिन खैर मैं अब अकेले निकल आया हूँ, वो तो सोया हुआ है, मोबाइल अटेंड नहीं कर रहा, वो दोस्त नहीं आ रहा, तो बस मैं अकेले ही निकल आया और अकेले ही जाऊँगा। तो चलते हैं फिर। तो मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में मैं बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच गया हूँ, क्योंकि देख सकते हैं दुकानें मार्केट सारे बंद है। अब मजबूरी है, इंतज़ार करना पड़ेगा। खैर है करते हैं। भाई ये वाइट पैलेस है, जो वाइट पैलेस पहुँच गए, जस्ट गॉट माई टिकट 70 रुपी। खैर ये तो इतना नहीं है, बाकी जगहों की नस्बत ये कम है। तो दिखाते हैं और कुछ थोड़ा शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। तो इस वक्त मैं बैठा हूँ मरगुजार वाइट पैलेस में, तो उधर टाइम वेस्ट हो रहा था, तो मार्केट्स बंद थे और मोबाइल और बाकी काम नहीं हो रहे थे, तो सोचा कि मरगुजार आ जाऊँ। तो यहाँ आया हूँ वाइट पैलेस की, तो यहाँ आया हूँ और वाइट पैलेस की कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि लोकेशन किसकी, तो जब आप स्वात आते हैं मिंगवारा सिटी, तो मिंगवारा सिटी से फिर सीधी शरीफ की तरफ, सीधी शरीफ से तकरीबन 13 किलोमीटर के बाद मरगुजार एक टाउन आता है, तो वहाँ पर है ये वाइट पैलेस। तो वाइट पैलेस जो है इसके बारे में बता दूँ कि दिस इज़ बिल्ट इन 1940 बाय द फर्स्ट किंग ऑफ स्वात मियां गुल अब्दुल वदूद बादशाह साहब, पश्तों में सिंपली हम कहते हैं बादशाह साहब, ये ठीक है। तो ये उन्होंने बनाया था। तो यहाँ पर उस वक्त जब ये स्टेट था तो मुख्तलिफ कैबिनेट मीटिंग्स और ये समर रेजिडेंसी थी। तो मैंने जब इसके बारे में थोड़ा सा सर्च किया था तो उसमें ये था कि इसके लिए जो मार्बल है वो आगरा से मंगवाया गया था, ब्रॉन्ज फ्रॉम बेल्जियम, और तीसरी चीज़ मुझे नहीं पता कि आर्टिसेंस जो है क्या है, ये जो है तुर्की से मंगवाया गया था। और लेकिन यहाँ पर एक बोर्ड मैंने पढ़ा, उसमें लिखा है कि इसके लिए जो मार्बल है जो संग मरमर ताजमहल में लगा था वो था जो कि वहाँ से मंगवाया गया था इंडिया से। और तो यही था इसमें, इसको सबसे पहले जो है मोती महल, नहीं स्वाति ताजमहल, इसके बाद मोती महल, और इसके बाद इसके वाइट पैलेस सफ़ेद महल यानी वाइट पैलेस का नाम दिया गया। तो कुछ खूबसूरत जगह मरगुजार ये वाइट पैलेस की मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जो अब जो है स्वात जो है वो तो स्टेट नहीं है, तो ये एक टूरिस्ट स्पॉट में चेंज हो गया है और वाइट पैलेस होटल है अब। तो यहाँ कुछ तारीखी चीज़ें हैं, तारीख है, ये ख़ुद ही एक तारीख है, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा इसके कुछ शॉट्स। तो इन्जॉय करें।
ये तो था इसके बाहर का मंज़र, तो अंदर चलते हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि अंदर इसमें क्या है और कैसा है। चिनार का दरख्त है जो मुझे ज़्यादा तो नहीं पता लेकिन बहुत पुराना है, लेकिन गूगल में सर्च किया था उसमें लिखा था कि 150 एक 200 ईयर्स हो। यहाँ पर ये मुख्तलिफ़ किस्म की कारीगरी वाली चीज़ें, कुछ हैंडमेड, कुछ इस तरह आप लोगों को मिल जाएगी। मरगुजार और उसकी लोकेशन वाइट पैलेस, तो काफ़ी ख़ूबसूरत जगह है। तो आप स्वात आए तो यहाँ ज़रूर आए, कालान जाने से पहले पहले जब आप स्वात एंटर हो जाए तो मिंगोरा सिटी के बारे में पूछ ले सिद्धू शरीफ, तो यहाँ पर आसानी से आप लोग आ सकते हैं। वापस आ गया हूँ मैं, एक इधर मिंगोरा से तो आ गया हूँ, लेकिन यहाँ एक मेरे कज़न की दुकान है, कज़न की अप्टीको है, मैं तो उधर आया, सोचा यहाँ थोड़ी गपशप हो जाएगी, वैसे भी घर जाके बोर ही होना है। और मोबाइल की अनबॉक्सिंग होगी नेक्स्ट वीडियो में, अभी इसमें और बोर नहीं कर सकता आप लोगों को, तो गुड बाय।